हे गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं TRT 2.0 चैनल से 50 लाख का घर बेचना था, टॉप रियल टीम TRT। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं बड़ा लेट हो गया यार, आए नहीं अभी तक। देख बे लल्ला, एक पार्टी को बुलाया मैंने, बड़ी मुश्किलों में पटाया उसे ताकि घर बेच सके अपना। कोई नानू करना होनी चाहिए वरना कल्ले झाड़ दूंगा तेरे, समझ गया? चुपचाप रहिए, बोलना मत उनके सामने। घर बेचना है हर हाल में, परेशान हो चुका हूँ मैं। आ जाओ भाई, तुम्हारे एकदम तैयार कर लिया था। बैठो, बड़ी देर कर दी यार, आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? ना, दिक्कत तो ना हुई, लेकिन अगर दिक्कत हो भी जाती तो तुम क्या कर लेते? करते तो खैर कुछ ही ना हम यार, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, पड़ जाए। सही बात। हाँ ठीक है, तो ये है घर तुम्हारा? घर तो यार काफी अच्छा है तुम्हारा। अरे यार, अच्छा होगा कि ना, बड़ी मेहनत से बनाया ये घर मैंने। रसगुल्ले खिलाता था, बर्फी खिलाता था मिस्त्रियों को जब मकान बना था ये। ऐसा वैसा घर थोड़ी है ये, सेठ का घर है तो कुछ मामूली बात थोड़ी होगी। तो फिर पक्का समझो तुम ले रहे हो घर को, पसंद आएगी अब तो? अरे भाई साहब रुक जाओ यार, इतनी जल्दी पक्का मत करो। तुमने तो रसमलाई रसगुल्ले खिलाए हैं, तो हम तो फिर भी ये घर खरीदना है, थोड़े हमें भी हो जाए रसगुल्ले। अबे रसगुल्ले का जिक्र मत कर, रसगुल्ले तो मजदूरों को खिला के पछता रही हूँ। सालों ने दगा कर दी मेरे साथ, रसगुल्ले न खिलाऊंगा मैं। अरे तो भाई साहब मिठाइयाँ तो बहुत होती है, रसगुल्ले ना मंगा रहे तो जलेबी मंगा लो, पकौड़ी मंगा लो। पकौड़ी मिल जाएंगे लल्ला अपने चौराहे पे आज? हाँ पकौड़ी मिल जाएंगी। वो पास संडे है ना, सरकारी नौकरी की सबकी छुट्टी है, आज ना मिलेंगी पकौड़ी। यार आज संडे निकला, आज ना मिल पाऊंगा। कंजूस सेठ, पकौड़ी सकौड़ी का क्या है नाश्ते पानी का? यार घर पसंद है तो बताओ, पैसे बताऊं घर के? अरे यार भाई सब दुश्मन भी घर पे आवे, उसे कम से कम चाय को पूछ ले, चाय पिलवा दो। अबे हाथी के कद्दू जलेली हो गया पूरे की, रसगुल्ले खिला दो और मिठाई खिला दो, चाय पिला दो। इतनी देर से बहाने मार रही हो, समझ में आ रही खिलाने के मूड में ना? घर लेना हो तो देखो घर को और पैसे करो, बात खत्म। अबे भैया इससे मत कहो, जलील लग रहा है, एक नंबर का है मुझे घर। आओ दिखवा दो, सही करके दिखवाऊं। आओ ये है जी लग्जरी किचन, एकदम मस्त। अबे अंदर को कहां आ जा रहे हो? देखो खाने पीने के चक्कर में मत पड़ो, भिखारी हो कौन है तुम? मैंने पहली मना कर दी, तुम तो खाने पीने को ना आए घर में, घर लेने आयो घर की बात करो। यह है शानदार किचन, आओ कुछ और दिखवाऊं। ये है जी बहुत शानदार वाली लैट्रिन, ये है बाथरूम। अरे यार सही करा तुमने बता दिया, पेट में भी गड़बड़ हो रही है। साले गंदी हो जाएगी और टंकी में भी पानी ना, वैसे आजा पानी ना घर करिए अपने। यार करने देते यार। और जी देखो ये है बहुत शानदार जीना, इस घर का जबरदस्त जीना, ऊपर जा सकते हो, मजे ले सकते हो, पार्क वार्क बना हुआ ऊपर, बहुत बढ़िया। चेक करके आता हूं। अबे हां चेक करके आता हूं, अभी काम चल रहा है ऊपर, पौधों को पानी भी ना लगा, अभी बात को देखिए, बैठ के बात करो पैसों की। घर में घुसने तो दे नहीं रहा, बैठ के क्या करेगा? बस हमें इस घर के फाइनल रेट बता दो और हम चलें फिर। रुक जाओ अभी बेटे से डिस्कस कर। क्या कहता है बेटे, कितने रुपए मांग ले? अब्बा 55 लाख मान लो। अबे 55 लाख? साले 55 लाख तो बहुत हो जाएंगे, थोड़ा कम कर लो। तो कितने मांगोगे? 54,50,000 मांगो भाई साहब। 54,50,000 एकदम। 54,50,000 तो भाई साहब बहुत ज्यादा हो रहा है, अपना सौदा ना पटेगा। अरे सुनो यार सुनो, 50 लाख कर दो, बात खत्म हुई ना तुम्हारी ना मेरी, लाओ गिना दो पैसे पटाफट। अरे यार भाई साहब बहुत ज्यादा हो रहा है, ना पटेगा सौदा। यार तुम क्या चाह रहे हो अपने तो बताओ। देखो मेरे हिसाब से, चल तू बता यार। मेरे ख्याल से यार तू ही बता। यार क्या नाटक कर रहा हो, इतना शानदार घर मिल लिया यार, तुम्हें रेट भी इतने कम कर दिए, 50 लाख ना तो चलो। क्या शानदार घर दिखाया तक नहीं? देखो भाई साहब रुपए दूंगा एकदम, 1,20,000 रुपए। घर लेना आया है ये चट्टी बनियान लेना आया है? पचास लाख का घर उन्हें 1,20,000 में लेना, ये थोड़ा ज्यादा ही कम कर दिया है ना। लेकिन 50 लाख वाला तो घर भी नहीं था, ठीक है प्लीज मत करो। 50 लाख में बहुत आलीशान घर मिलते हैं, घर बनते हैं, आई मीन ठीक है।
मिलते हैं उसका मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बनते बहुत शानदार घर है 50 लाख में। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी रकम यार। इसमें कितना शानदार घर बन जाए, कितना मस्त घर बन जाए। और शानदार घर कहे जा रहे ना किचन में घुसने दिया, ना एक गिलास पानी को पूछा, ना लैट्रिन बाथरूम जाने दिया, छत पर चढ़कर भी देखने नहीं दिया कि हाँ छत पे क्रैक्स वगैरह है कि नहीं है, कैसा है, सही है कि नहीं है। बस घर बेचना है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो घर दिखा तो सही भाई अपना, वो बाथरूम में देखते हैं ना कि हाँ फिटिंग्स वगैरह कैसी हुई हैं, टाइल्स अच्छी लगी हुई है कि नहीं, किचन में देखते कि हाँ वो सिंक वगैरह सही है कि नहीं, स्लैब्स सही पड़ी हुई हैं, स्लैब्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, तो वो हर चीज़ देखते देखभाल के जो उनकी मर्जी होती है तब बताते, नहीं बस देख लिया ना तुमने बार बार से डेंटिंग पेंटिंग देख लो उसकी और बस दे दो 50 लाख दे दो इनको। के नहीं 55 लाख नहीं मांग, 55 लाख बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 54 लाख 50 हज़ार। 50 हज़ार कम करके तुमने कौन सा एहसान कर दिया। जो लोग मतलब 54 लाख 50 हज़ार जमा करेंगे उनके लिए 50 हज़ार कौन सी बहुत बड़ी रकम हो गई भाई। बहुत है यार। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और ऐसे किसी के घर जाओ ना जो शक्ल ही सब महाजलील पता चले तुम्हें, एक गिलास पानी भी ना पूछे, भैया उल्टे पैर घर वापस आ जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ किसी का पड़ता नहीं पड़ता। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।